The place where we are is the southwestern part of Odisha. It has its rich culture, natural resources. People are known for its simplicity and kindness, sir. If you get into any village and ask people, what do you need? What do you really need for your development? They will just smile. Because what they expect is peace and diversity. And their expectation doesn't even go beyond quality rice, drinking water, a small house to live, and some cash in hand for emergencies. Let us also see, sir, they contribute a lot for their livelihood. So we, I believe, and everybody believe, women deserve a better quality of life. Let's take some questions from the audience. Sir, the first question, since I am given a charge, let me ask one question to you. Sir, your grandmother is called the Iron Lady. Your mother is known for firmness and patience. Your sister manifests confidence and positive energy. I think every young modern woman would like to be like her. So if one message you would like to give to this audience that you draw inspiration from these women in your life, what will that be? Fight for your space and do not consider yourself less than any man. अच्छा हिंदी हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं? हिंदी। तो सवाल था कि महिलाओं को मैं क्या सुझाव या एडवाइस देना चाहता हूं। नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं उनसे कह रहा हूं। तो महिलाओं को क्या एडवाइस देना चाहता हूं? और मैंने जवाब दिया कि किसी भी महिला को अपने आप पुरुष से कम नहीं सोचना चाहिए, और उनकी जो जगह है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, बिजनेस में हो, किसी कंपनी में हो, या घर में हो, स्कूल में हो, उनकी उनको अपनी जगह के लिए लड़ना चाहिए। और जब उनके ऊपर अत्याचार होता है या उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और पुरुषों को भी मैं सुझाव देता हूं कि आपको भी महिला को वही जगह देनी चाहिए जो अपने आप को देते हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की महिलाओं का हक है। और देश दोनों महिला और पुरुष के बिना नहीं चल सकता है। तो ये मेरा जवाब था। थैंक यू सर। अच्छा, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कोई। अब क्या करती हूँ मैं, उड़ीसा हाई में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि भी गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया स्टाइपेंड के तौर पे दिया जो लोग पहले पहले प्रैक्टिस में आते हैं 5 साल के लिए। हम लोगों का डिग्निटी का बात चलता है और रेस्पेक्ट का बात चलता है तो हम लोगों को नहीं मिलता अभी, और काउंसिल में हम लोगों के लिए जगह भी नहीं है। तो आपकी सरकार आती है तो हम लोगों के लिए, महिला एडवोकेट्स के लिए क्या करेंगे आप? फ्रेंकली, अगर आप नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो मैं नेशनल लेवल का आपको बता सकता हूँ, मगर अगर आप उड़ीसा का सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो पीसीसी प्रेसिडेंट है उड़ीसा की डिटेल आपको बता सकते हैं। मैं आपको जनरल डायरेक्शन दे सकता हूँ जी। तो आप दो शब्द बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, आप नेशनल के बारे में बोलते हैं। के बारे में बोलता हूँ। देखिए, सबसे पहले काफी सालों से अब हम विधानसभा लोकसभा में वुमेन्स रिजर्वेशन को लाना चाहते हैं। पंचायतों में हम महिला रिजर्वेशन लाए और उससे काफी महिलाओं को फायदा मिला और उनकी जो आवाज है वो पंचायतों तक पहुंची। मगर अगर आप मंत्रिमंडल देखें, उड़ीसा का मंत्रिमंडल देखें, शायद यहां पे सिर्फ 2 महिला मंत्री हैं। तो लोकसभा विधानसभा में उनकी जगह बननी चाहिए और ये रिजर्वेशन के माध्यम से हो सकता है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम वुमेन रिजर्वेशन को लोकसभा में पास करने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा में पास करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात,
जनता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक एमएलए ने महिला का रेप किया और जो देश को डायरेक्शन देते हैं उन्होंने इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा और जो केस चलना चाहिए था, जो उस महिला को मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री डायरेक्शन देता है और अगर प्रधानमंत्री सही समय पे क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है तो पूरा का पूरा मैसेज देश में जाता है कि प्रधानमंत्री की राय क्या है। तो जब भी महिलाओं के खिलाफ कहीं भी बलात्कार हो, एट्रोसिटी हो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को अपना व्यू पॉइंट बड़ा क्लियरली बता देना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो यह भी हमारी अप्रोच रहेगी, जीरो टॉलरेंस। यहां पे हर रोज क्या 12 महिलाओं का रेप होता है, 12 महिलाओं, 8 महिलाओं का हर रोज और इस समय रेप होता है। और कितनी महिलाओं को साल में न्याय मिलता है? 7 महिलाओं को एक साल में न्याय मिलता है। तो एक दिन, साल में एक दिन जो महिलाओं पर बलात्कार होता है उनको न्याय मिलता है, बाकी दिन का जो बलात्कार हो रहा है उनको न्याय नहीं मिलता है। तो यह भी मतलब बहुत जरूरी चीज है कि हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि जीरो टॉलरेंस होगा इस मामले में। यहां पे मेरा एक सुझाव है, अब पता नहीं थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, मेरा सुझाव है कि महिलाओं को ओडिशा में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, चाहे वो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की शिक्षा हो, सबके सब फ्री होनी चाहिए, मेरा सुझाव है। अब आप लोगों को निर्णय लेना है और खासतौर से जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन सबको मुफ्त में हाई क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऐसी 2-3 चीजें हैं जो हम करने की कोशिश करेंगे। कोई उस तरफ से क्वेश्चन पूछे? Then others can see. A very good morning, sir. Good morning. This is Dr. Namrata here. Sir, being a doctor, I would like to ask, Odisha faces a lot of maternal mortality and nutritional issue is a lot among the children. So if the Congress government comes into power, how are you going to address this problem? I think, number one, you want me to answer in English or Hindi? हिंदी। सबसे पहले ओडिशा गरीब प्रदेश नहीं है, ओडिशा की जनता जरूर गरीब है मगर ओडिशा गरीब प्रदेश नहीं है। आपके पास बहुत सारा धन है, वो धन चुने हुए लोगों के हाथ में जाता है मगर जो ओडिशा की जनता है उनके हाथ में नहीं जाता। और जितना पैसा शिक्षा में और स्वास्थ्य में जाना चाहिए उतना नहीं जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आपके अस्पतालों में, आपके स्कूल और कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा बजट का पैसा हम डालेंगे, तो पहला ये कदम होगा। दूसरा कदम, यहां पे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफी बड़ा संगठन है, महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाता है, ये कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी का विजन था नेशनल लेवल पे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सिस्टम है उसको भी हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे और उसके भी 2-3 सुझाव हैं, उनका जो बैंक लोन है और उनकी मदद करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अब पीछे की तरफ से एक क्वेश्चन, मैटरनिटी, जो मैटरनिटी डेथ्स होती हैं आमतौर से मैटरनिटी डेथ को इंफॉर्मेशन से, और अगर महिला हॉस्पिटल में जाके चाइल्ड बर्थ करे तो इससे कम होता है, मगर अगर हॉस्पिटल्स नहीं है तो फिर ये किया नहीं जा सकता। तो हर डिस्ट्रिक्ट में
हाई क्वालिटी का अस्पताल और उस अस्पताल में गरीब से गरीब लोगों को एक्सेस देने का काम भी कांग्रेस पार्टी कर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर यंग लड़कियाँ आई हैं कॉलेज से और पीजी कर रही हैं कॉलेज में हैं। इन लड़कियों में से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ किसी को पूछने का। हेलो सर, थैंक यू मैम फॉर गिविंग चांस टू टॉक अबाउट। सर आप बोले जैसे कि उड़ीसा में इफ कांग्रेस आता है तो सबको लॉ इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरेट करने के लिए फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, बट रिगार्डिंग स्पोर्ट्स सर वेन वुमेन्स आर इंटरेस्टेड इन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, सो व्हाट विल यू डू? सो व्हाट स्पोर्ट आर यू इंटरेस्टेड इन? सर लाइक बैडमिंटन एंड हॉकी एवरीथिंग। Sorry, I couldn't hear you. Sir, badminton, hockey, like we will also like to go and cricket also. We will interested to go. And what would you like us to do? Sir, आप हमें सुझाव दीजिए, आप जो कहेंगे हम करेंगे, बताइए। Sir, मेरे को interest है sports में sir. हाँ. I would like to go. I am very good in badminton, so I like to go in that field. So क्या sir हम लोगों को facility? आपको coaching कौन देता है? सर मैं अभी तक तो कोचिंग ली ही नहीं हूँ, बट मेरे को इंटरेस्ट है आगे। अच्छा, और आप जब बैडमिंटन खेलती हैं आप कहाँ खेलती हैं? स्टेडियम में खेलती हैं? हाँ स्टेडियम में भी खेलते हैं सर, लेकिन लोकल। और स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? सर वो आपके बहुत पास बहुत ही खराब है सर। कोर्ट सीमेंट का है, घास का है, किस चीज का? सर ग्रास का ही है, लेकिन फिर भी सूखा हुआ उतना खास नहीं है। अच्छा, तो हमारी कोशिश होगी कि आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं उनके लिए हम कोचिंग का सिस्टम तैयार करें, और जो आपका बैडमिंटन का कोर्ट है अगर हम उसको थोड़ा उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें, स्टेडियम की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें, तो ये हमारी कोशिश होगी। मगर इसके लिए जो आपका पैसा है, देखिए आपको एक चीज समझनी है, उड़ीसा में बहुत सारी माइंस हैं, बहुत सारी माइंस है, धन है, काफी पैसा है, मगर वो जो पैसा है वो आपको नहीं मिलता। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा एक शू शॉप चलाते हैं। अच्छा, आपके पापा शू शॉप चलाते हैं? यस सर। आपने अनिल अंबानी का नाम सुना है? यस सर। कौन है ये? अंबानी इज द richest मैन इन इंडिया। सुना है अनिल? रिचेस्ट मैन इन इंडिया इज हिज ब्रदर, उसका भाई रिचेस्ट मैन, मगर उसका छोटा भाई का नाम अनिल अंबानी है। यहाँ पे HAL की फैक्ट्री है कि ना? यस सर। आप लोग जानते हैं HAL की फैक्ट्री है यहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की। अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट HAL को मिलना था। यहाँ पे पास में कोरापुट में राफेल हवाई जहाज जो है, जो वायुसेना खरीद रही है, उसका यहां इंजन बनना था, मगर प्रधानमंत्री जी ने HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको मालूम है कि अनिल अंबानी को कितना फायदा हुआ? No idea. मैं आपको बताता हूं, 30,000 करोड़ रुपए, मतलब जितना पैसा हिंदुस्तान में एक साल मनरेगा को चलाने में लगता है उतना पैसा प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। अब अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, HAL यहां पे इंजन बना रही है, 70 साल से HAL में लोग काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने आपसे उड़ीसा में रोजगार छीना, प्रधानमंत्री ने आपका जो बैडमिंटन कोर्ट है उसका पैसा आपसे छीनकर अनिल अंबानी को दिया। और यही बात उड़ीसा में हो रही है। उड़ीसा में जो पैसा आपको मिलना चाहिए, आप क्या आप स्पोर्ट्स करती हो? आप क्या खेलती हो? आप पढ़ाई करती हो? क्या करना चाहती हो आप? नर्स।
मामा पापा क्या करते हैं? पापा अरे अरे और भाई कितने? भाई बहन कितने? चार है। वो क्या पढ़ना चाहते हैं? एक लेक्चर, एक लेक्चर और एक नर्सिंग, नर्सिंग और एक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस या एग्रीकल्चर खेती करना चाहते हैं? साइंटिस्ट। अब देखिए इनके सपने हैं, आप जानते हो कि पिछले चार साल में हिंदुस्तान की सरकार ने 3,50,000 करोड़ रुपए 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। आपके पापा बैंक लोन लेते हैं? बैंक लोन है आपके पापा के पास? है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अनिल अंबानी बहुत अमीर व्यक्ति है, उसका 45,000 करोड़ रुपए बैंक लोन है और उस जैसे 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए बैंक लोन माफ किया, तो नरेंद्र मोदी ने आपके पापा का बैंक लोन क्यों नहीं माफ किया? तो आप यहां घबराई हुई हो, आप कह रही हो कि मेरे पास बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, आप कह रही हो कि आप एनएम बनना चाहते हो, आपके भाई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मगर जो आपके स्कूल का पैसा है, आपके बैडमिंटन का पैसा, बैडमिंटन कोर्ट का पैसा है, आपकी मेडिकल ट्रेनिंग का पैसा है, वो तो प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भागे। विजय माल्या का नाम जानते हो? किसी ने सुना है विजय माल्या का नाम? वो 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपके पापा या आप किसी से चोरी करोगे तो आपको जेल भेजा जाएगा। Obviously, sir. तो अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? मेहुल चौकसी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? नीरव मोदी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्योंकि आपकी जो सरकारें हैं उनको इन लोगों ने पकड़ के दबा रखा है, और जो इनकी पकड़ है इनसे सरकार को निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, मगर हम सबकी एक साथ जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए आप जैसी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, और मैं चाहता हूं एक दिन विधानसभा में और लोकसभा में दिखाई दे, इसीलिए हम महिलाओं का रिजर्वेशन करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। आउ गोटे क्वेश्चन रेकर्ड हो जाए। हेलो सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज स्मृति एंड इट्स रियली अ ड्रीम कम ट्रू दैट आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू। थैंक यू। ओके, माय क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन। नो सीरियसली, आई नेवर थॉट दैट आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन। सो एक्चुअली nowadays, like security and of women and girls is an alarming issue. Like many colleges and in many colleges and schools, even in villages and cities also, many women are not safe also. So what will be the challenges and steps taken by the Congress government for the protection and the welfare of the women? Okay, Hindi mein puchhe, yeah, sure. Logon ko samajh aa raha hai. Haan, theek hai. Pata puchhe? मैं हिंदी में बोलूं? हिंदी में पूछ लीजिए सवाल, फिर मैं। अच्छा। क्योंकि लोगों को, काफी लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ आती। ओडिया में बोल दीजिए। ए झिया टी जहाँ क्वेश्चन पचारू चंती राहुल गांधी जी को, से कहू चंती कि आम ओडिशा रे छुआ माने जे स्कूल रे जाती तांको सुरक्षित नहंती, हॉस्टल रे जो झिया माने रहंती से भी सुरक्षित नहंती, टाउन रे गाँव रे बुलुथिबा झिया माने भी सुरक्षित नहंती, तो झियो महिला मानक सुरक्षा पाई जदि कांग्रेस सरकार आसे तो कौन करिवे? तो अब मेरा जवाब देने से पहले मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो मेरा सवाल है कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो बेहतर हो रही है या खराब हो रही है? आप सबको लगता है कि खराब हो रही है, मतलब 4-5 साल पहले
सिचुएशन बेहतर थी, अब खराब होती जा रही है, लग रहा है ना आपको? आपको क्या लगता है ये खराब क्यों हो रही, इसका क्या कारण लगता है? क्योंकि अगर हम किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं तो हमें पहले समझना होगा वो हो क्यों रहा है। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि पूरे देश में हिंसा बढ़ रही है, नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है और महिलाओं के खिलाफ भी अत्याचार बढ़ रहा है। तो ये जो गुस्सा बढ़ रहा है, नफरत जो बढ़ रही है, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, अल्कोहलिज्म जो है वो क्यों बढ़ रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, अब आप जो मैंने हिंदी में बोला आप उड़िया में बोलना चाहती? बोल दीजिए। तो मेरा सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल था कि ये जो महिलाओं की जो सिचुएशन खराब होती जा रही है, ये क्यों खराब हो रही है? और उनका जवाब था राहुल जी पचारुचंती चाहूंगी महिला मान परिस्थिति सुरक्षित न रहिबाटा दिन ब दिन भल अच्छी ना खराब हो चली खराब हो चली तो कहीं हूँ कहीं से जानवाप चाहते ये तो आपने बता दिया कि बात ठीक कैसे होगी, मगर मेरा सवाल है वो खराब क्यों हुई? खराब क्यों हो, तो मोदी सरकार है ना, वो सब करप्ट किया है, राहुल गांधी आने से तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली हमारा जो कुछ आज हो रहा है, हमने एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो इसी के नाते से हम बोलना चाहते हैं कि जो लीकर ब्राउन शुगर जितना भी होता है वो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि इसके लिए टैक्स मिलता है उनको, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खोलते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे महिलाओं का बहुत अत्याचार बढ़ गया, रेप बढ़ गया और बच्चे को भी छोड़। अच्छा, तो मैं दो तीन चीज़ें कहता हूँ, आप उड़िया में ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार मिल रहा है? आपको लग रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको आज हिंदुस्तान में उनका भविष्य आसानी से दिख रहा है? नहीं। एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं, चाइना में 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान में उसी 24 घंटे में सिर्फ 450 लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता है। अब यहां लड़की ने कहा कि वो A&M बनना चाहती है, भाई साइंटिस्ट बनना चाहता है, मगर हिंदुस्तान की सच्चाई है कि रोजगार आज हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो रहा है। और जहां रोजगार पैदा नहीं होता है, जहां लोगों को भविष्य नहीं दिखाई देता है, वहां नफरत पैदा होती है और अल्कोहलिज्म शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग सपना देखना चाहते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, चाहे वो समाज में नफरत हो, इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। और दुख की बात है कि ना नवीन पटनायक जी की सरकार, ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस चैलेंज के सामने खड़े होकर इसको खत्म नहीं करना चाहते, या तो करना नहीं जानते हैं, या जानते नहीं हैं, या फिर करना नहीं चाहते। और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, रोजगार क्यों नहीं है, यह भी आपको मैं बता देता हूं। रोजगार के लिए छोटी छोटी मिडिल साइज की जो कंपनीज होती हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है। आज हिंदुस्तान में बैंक का पूरा का पूरा पैसा 15-20 लोगों के हाथ में दिया जाता है। आप उनके नाम जानते हो, अनिल अंबानी,
मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब नाम है। इनमें से हर हर एक ने 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ रुपए ले रखे हैं। मगर अगर आप किसान हो, अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, तो बैंक का पैसा आपको नहीं मिल सकता। और अगर बैंक का पैसा छोटे बिजनेस वालों को नहीं मिलेगा, मिडिल साइज बिजनेस वालों को नहीं मिलेगा, किसानों को नहीं मिलेगा, तो हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। तो ये सच्चाई है, आप थोड़ा उड़िया में बोलिए। राहुल गांधी जी कहू चाहते जेते की नियुक्ति हेबा कथा ए राज्य रे सेते की नियुक्ति हे पर नहीं पो पिलांकु कि झियो पिलांकु जो जुवा अछंती तांको चाकरी नहीं अभाव अछि पैसा रो आउ मद भी जो सेवन करा होची सेटा रे भी निज देह खराब होची आउ निजरो मेंटल बैलेंस में हमें फजे दोचू तो सेही जिंस जेबे जाई ठीक हे परिवनी हमें समस्या को दूर करि परिबा नहीं अदानी अंबानी समस्त पाखे पैसा नहीं कि रखिंट 40,000 कोटी नहीं कि रखिंट समस्त रोजगार समस्त से अंबानी अदानी समस्त नहीं तो आम से आज बेरोजगार अच्छे सर से नमस्कार सर आतम वहाँ सर नमस्कार अभी आतम एक सेकंड में इनको करने दीजिए फिर वहाँ जाए सर नमस्कार थैंक यू वेरी मच especially on this occasion of International Women's Day, you're sparing a precious time with us. Actually, I just wanted to ask a question. Your time is as precious as mine. Thank you very much, sir. On behalf of every woman and on behalf of Mrs. Bainapati, the DCC president here, I'm just thanking you. And I just want to ask a question. While provisions have been made in the past, has been announced in the past regarding which are dedicated to the women, the proposals and projects. And that's my question, that when you get into power, what will be your step towards eradicating the evils in the society, the evils related to women in the society, and what you do for our Gorakhpur district, my Gorakhpur district, and my Orissa. Thank you, sir. If you, let's talk about Gorakhpur, okay? I'll speak in Hindi if you don't mind. कोरापुट के बारे में बोलते हैं मैंने यहां पे जो एचएएल का प्लांट है उसके बारे में बोला आप इमेजिन करिए कितने साल पहले यहां ये एचएएल का प्लांट बनाया गया वही प्लांट एयरफोर्स के हवाई जहाज का इंजन बनाता है उसी प्लांट में लोगों को युवाओं को रोजगार मिलता है अगर आप 60-70 साल पहले यहां आते और देखते कि यहां पे कोरापुट में हाई टेक्नोलॉजी का प्लांट लगा हुआ है आप हैरान हो जाते आप कहते किसी ने ये प्लांट दिल्ली में बेंगलोर में बड़े शहर में क्यों नहीं लगाया ये प्लांट कोरापुट में क्यों लगा विजन था कि हम कोरापुट को सिर्फ ओडिशा से नहीं जोड़ना चाहते हम कोरापुट को पूरी दुनिया से जोड़ना चाहते हैं और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की जो चीज है जो हिंदुस्तान में हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की चीज बनती है वो हम कोरापुट में बनाएंगे तो सबसे पहले अगर आप कोरापुट जैसी जगह को बदलना चाहते हैं तो आपका विजन बड़ा होना पड़ेगा कोरापुट को हम जरूर कोरापुट के किसानों की हम मदद करें कोरापुट की महिलाओं की मदद करें मगर कोरापुट को बाकी दुनिया से कैसे जोड़ा जाए कोरापुट के जो यंगस्टर्स हैं उनको बाकी प्रदेशों में कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए उनको बाकी देशों में कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए तो अगर आपका विजन थोड़ा लंबा होगा तो आप काम कर पाएंगे अब आज प्रॉब्लम क्या है आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए मेक इन इंडिया की बात करेंगे स्वच्छ भारत की बात करेंगे अलग अलग भाषण देंगे 15 लाख रुपए देने की बात करेंगे अच्छा छोटा सा सवाल यहां पे प्रधानमंत्री जी का 15 लाख रुपए किसी को मिला है किसी को मिला अच्छा दूसरा सवाल जब नोटबंदी हुई आप में से कोई बैंक के सामने खड़ा था
कोई यहाँ पे है जो बैंक के सामने नहीं खड़ा था? देखो एक भी हाथ नहीं उठा, सबके सब खड़े थे। अच्छा जब आप बैंक के सामने खड़े थे, आपके साथ वो सूट बूट वाले अनिल अंबानी जैसे अमीर लोग खड़े थे? वो तो नहीं खड़े थे ना। तो आप देखिए मेक इन इंडिया की बात करेंगे, आपको बैंक के सामने खड़ा कर देंगे, आपके जेब में से पैसा निकलवा देंगे, मगर अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे देंगे। और प्राइम मिनिस्टर की मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए, मगर जितने झूठ ये प्रधानमंत्री बोलता है उतने झूठ हिंदुस्तान के सब प्राइम मिनिस्टर्स को आप मिला दो और उसको 500 बार मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो नहीं होगा। मतलब ये व्यक्ति एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोलते। तो अगर आपको उड़ीसा कोरापुट और हिंदुस्तान को बदलना है तो सबसे पहले विजन की जरूरत है, सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको सच्चाई बता दे। उसको आपको उसको बताना पड़ेगा कि देखिए हिंदुस्तान की सच्चाई ये है, हिंदुस्तान में आज बेरोजगारी है और अगर हम इससे नहीं निकले तो सबका नुकसान हो जाए। सच्चाई का सामना करना पड़ता है और ये जो फ्रेंकली हमारे प्रधानमंत्री हैं ये सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, मगर उसके बिना देश नहीं जा सकता आगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देवर से हमको अनेक क्वेश्चन का आंसर दे चंती है, हमारा जहां भी क्वेश्चन के लिए पचारी चंती। सर वी जस्ट क्लोज नाउ सर, लास्ट सर। सर नमस्ते, नमस्कार। सर सोनिया जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते, नमस्कार। बात्रा जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते, प्रियंका जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते। सर 1991 से लेकर 2019 29 साल हो गया, मैं आप लोगों की आप लोगों को देखने के लिए सर मैं नहीं कह सकती, वो 1991 का जो था मैं 10th क्लास में थी और आज तक सर मैं दिल से दुआ करती थी कि मैं आप लोगों को कब देखूं, और नहीं बोल सकती सर मैं, मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है, कांग्रेस से मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है, गिले शिकवे नहीं है, कोई भी कंप्लेन नहीं, बस दुआ ही दुआ है कि आप लोग जिंदगी भर इंडिया में शान, आप लोग इंडिया की शान हो, इंडिया की जान हो सर, हम बहुत दिल से चाहते हैं सर। Last one in that box because we have not done any more. So we can do. Sir. अभी कुछ अभी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा करंतु टाइम आज कम अच्छे सब दल रू आम कि पचारि ना ये गोटे क्वेश्चन नहीं कि आज आम शेष करवा ये मार किसी क्वेश्चन अच्छे तो आम नहीं पार आगे आसवे गोटे क्वेश्चन से माँ आसुच्च क्षमा करेंगे खाली गोटे क्वेश्चन सार मत हिंदी आसुने सार मुझे आदिवासी महिला मुझ केवल गोटे आदिवासी कहीं कह सार आम विधायक ये सब 4 दिन 5 दिन स्ट्राइक बसले हेले भी आमर ये बरिमा ब्लक मधुआ भी उठला नहीं सार जो कण बाल जहाँ देखते आमर आदिवासी माँ मैंने विधवा अच्छा सार आपण को विनीत अनुरोध सार जी आम कोरापुट मदटा बंद कर नमस्कार। सर तो ये कह रही है कि वो एक आदिवासी महिला है और उनका एक आदिवासी महिला से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, उनके विधायक 4-5 दिन तक स्ट्राइक पर रहे लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में शराब बंद नहीं हो पाया, तो इससे वो बहुत दुखित हैं और वो चाहती हैं कि कुछ हो इसके लिए। अच्छा और क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? उनका एक ही रिक्वेस्ट है, शराब बंद करना है उड़ीसा में। तो ये आप रिक्वेस्ट निरंजन जी से कीजिए। सर कहते निश्चय निरंजन सर पाख को एक करी हो ठीक है सर। थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा करेंगे बहुत कम समय अच्छी आम पचारि पार नहीं, गोटे बड़ पब्लिक मीटिंग राहुल गांधी जी एवं बाहर तो आम एतरे सरदे आम जोर जार ताली करी राहुल गांधी जी को धन्यवाद देवा।
मुझे समस्त पेज होते सर मान मोर नमस्कार आउ मोर माँ भौणी मैंने मो सामने अच्छा से मानी बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी जे एजुकेशन विषय जो डेवलप हो पारना पाने आग को जापना कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आमर जो अंचल आम गाँव में बहुत असुविधा अच्छे जो कि मुझे कांग्रेस पार्टी जो है महिला दल मुझे कहवाक चाहिए आम जो दुर्वा माँ भाई भी मान जो आग को जापना से भर मुक चाहिए जे आमर आदिवासी लोक कहीं आग को जापना सार पचारे जो एत जो इलेक्शन जो हो समे साह आदिवासी जो गाँव अच्छे पहाड़ अंचल किसी साहय मिलनी से मुझे जो आदिवासी जो झील मैंने अच्छा महिला मैंने अच्छा से मैं आग को जापार ना एमती दुनिया देखी ना कि लोक को भी चिन्ह पार ना से मैंने मुझे गाँ गहर झील एत दूर को जापार मु कूलमणि जेना सारे आउ सारे कहबी ये जो आम ट्राइबल कोई नहीं इंडिया एने भी आम जो मान्यता मिलनी मुझे कहब आम को जो दूर आदिवासी जो परंपरा अच्छी कला संस्कृति आउ जो एजुकेशन जो पाठ पढ़ापाई बहुत पिला असुविधा पड़ुं से आग को जीवापी निहाती दरकार सर इनका कहना था कि शी बिलोंग्स टू ट्राइबल बैकग्राउंड एंड शी इज़ अ ट्राइब बिलोंग्स टू ए ट्राइब इनका गांव सर बहुत ही अंदर एरिया में है रास्ते नहीं हैं कट ऑफ है शायद इसी के कारण बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं मैं बहुत मुश्किल से आज यहां पे आई हूं आपसे मिलने के लिए इन्हें ये तो रिकग्निशन मिल गई है कि मिस ट्राइबल मिस होकर के हैं पर ये कहती हैं कि हमारे पूरे कम्युनिटी को ऐसा रिकग्निशन नहीं मिलता है तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि कोई हमारा सपोर्ट करे आप कौन चाहते कौन कले आप उन्नति हम आपण को कौन इच्छा अच्छी कौन कर मोर तो इच्छा अच्छे जो पुआ झील सांग सांग झील मैंने जो बाल्य बहुत जो मन जो अंधविश्वास दूर करने से दूर हम आम जो आदिवासी जो पुआ झील मैंने आग को जापर दुनिया की इंडिया बाहर जाइए समस्त को चिन्ह पारे जो आम भी मनीष आदिवासी बोली से माने पछघुंचा देने जमीक पछघुंचा न दे कि आगे बढ़े She requests for an exposure to all the tribal young boys and girls, and she is against the child marriage. So she says, like, if that's are resolved, I think that could be a very helpful step. Sir, कहो चाहती आपण कहीं कि कांग्रेस पार्टी संगे काम करूना कांग्रेस पार्टी संगे काम करके निज निज जाति लोकों पर भी काम करें मुँ तो निहाती करी मोर कि बयस यही ना एवं मुझे बड़ इंडिया कोई नहीं दुई हजार अठर मुझे कथा जान नी दुनिया एमती होली जस्ट टिके टिके जानी पार्टी जो बड़ बड़ स्टेज चढ़ी निहाती भाव जो आदिवासी मान को जो मान्यता मिलनी से सहयोग में निहाती भाव कांग्रेस काम कर I will work with her to do that. Rahul Gandhi ji kahu chanti mu apana ka sanga debi sei kaam ko age garbai jaha apana chahu chanti nichita babare mu bi sei ti sahajog ebi nichita babare jo congress party ko jo kemti bujheba kata duniya re chalba kata adivasi man ko bujheba kata mu niche am ga gali re bujhebi she also says I will seek your support and definitely do the way the congress party is doing thank you आमे निवेदन रखिबु जे ओडिशा महिला कांग्रेस इनचार्ज अछंती एवं राष्ट्रीय संपादिका अछंती संध्या सवालाख्य महोदय को निवेदन रखिबु अनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करने राहुल जी 8 मार्च महिलाओं के तरफ से दो शब्द कहना चाहूंगी मोदी जी देश ने बहुत भरोसा कर दिया था आप पर मोदी जी बहुत भरोसा कर दिया था आप पर यूं ही नहीं सियासत का जिम्मा दिया था आप पर यूं ही नहीं
सही सियासत का जिम्मा दिया था आप पर, लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आपने क्या किया, हर देशवासियों की जिंदगी लगा दी है दांव पर, हर देशवासियों की जिंदगी लगा दी है दांव पर। इस वजह से अब देशवासियों और महिलाओं को बचाने की जिम्मेदारी है राहुल जी आप पर, राहुल जी आप पर। सबसे पहले महिला दिन की आपको बहुत बहुत बधाई। I am thankful to all India Congress President Sri Rahul Gandhi ji for his presence in Odisha and inspiring speech of Women Day. हम आभारी हैं सुष्मिता जी, All India महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो हमारी महिलाओं की जान है और महिला कांग्रेस की शान है। My regards to सुलझे हुए AICC जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी, छत्तीसगढ़ मिनिस्टर TS सिंह देव जी, नरसिंह जी, प्रेसिडेंट निरंजन पटनायक जी, MLA, थैंक यू वेरी मच।